बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा क्या है, VIP है मोरक्को का, मगरबी उनका आज डिनर है माशाल्लाह, जो है कि VIP खाना लगा। अभी नहीं आया है खाने के लिए, अभी आएंगे नमाज के बाद मगरब की। तो आप देखते हैं बूफे में क्या, बूफे में क्या क्या है माशाल्लाह, देखो कितना आइटम लगा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि खाना उज़्बेकिस्तान तुर्की का और ऐसे मतलब खाना कैसे होता है, ब्रेकफास्ट में लंच में क्या क्या होता है। आप तो लोग देखते हैं ये वीडियो, अंदाज़ा लगा सकते हो है कि नहीं। तो माशाल्लाह बस रेडी है सब, रेस्टोरेंट देखो रेडी में कैसे नहीं आया है। ये देखो रेस्टोरेंट रेडी है जो है, आ जाते हैं देखते हैं क्या क्या आइटम है। मेन कोर्स में कितने मेन कोर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है माशाल्लाह। सबसे पहले तो आ जाते हैं किस पे, वाइट राइस है, ये ऊपर डेकोर लगाए हुए हैं। फिर आते हैं लहम वेजिटेबल स्ट्यू है, स्पाइसी नहीं होता है, टोमेटो सॉस है। अरबिक गेस्ट है ना, तो अरबिक पता है उतना स्पाइसी खाते नहीं है। ये है मिक्स ग्रिल, इसमें कोफ्ता है, चिकन है और मतलब मिक्स होता है ना पूरा, ये ऊपर डेकोर लगाए हुए हैं। ये है ग्रिल सलमोन। ये आते हैं बीफ स्टीक है, बीफ है, इसके साथ सॉस दिया हुआ मशरूम सॉस। ये आते हैं फ्राइड सी फूड है, हम लोग झींगा बोलते हैं, बड़ा बड़ा झींगा वो, ये पता है ये भी महंगा ही आता है इसको। ये इसके साथ टाटर सॉस दिया हुआ है। फिर आते हैं हॉट मिज़्ज़ा है, ये मिक्स है, नहीं समोसा है, किब्बा है, कीमा जो होता है, उसके बाद स्प्रिंग रोल है, समोसा इसमें चीज़ है कि नहीं, बीफ समोसा है, साथ में इसके साथ केचप दिया हुआ है। फिर आते हैं चिकन पिकाता है, डेकोर में स्पेगेटी थोड़ा सा रखती हुए हैं। ये आते हैं लज़ानिया विथ मीट यानी कीमा है, ये भी माशाल्लाह लज़ानिया पता ही, जो खाते हैं उनको पता ही होता है, ऊपर में चीज़ ऊपर में सारा ये चीज़ है, चीज़ ओए हो। फिर आते हैं ये चिकन कप्सा है, कप्सा तो पता ही है सबको, सऊदी में कप्सा आया तो मशहूर है, कप्सा हो गया, मंदी हो गया, ये सब। अब आ जाते हैं सलाद में, माशाल्लाह हुम्मस है, उसके बाद तबोला है, टोमेटो है, सलाद ये सब देखो आइटम माशाल्लाह सलाद में होता है। ये ओपन बुफे है, ये देखो माशाल्लाह, ये भी पता है, ये भी सलमोन है, सलाद में आता है, सब गर्म होता है बहुत। अब आ जाते हैं डेजर्ट में, ये 15 आदमी है ना, इसे ज़्यादा नहीं लगा है। डेजर्ट में माशाल्लाह कितना आइटम लगा हुआ है, बस बसबोसा है, क्या क्या आइटम रोज चेंज होता रहता है ना इसीलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, 12:15 बज रहा है इस वक्त जो है कि, तो नेशनल डे की छुट्टी होती है ना, तो उसके एक दिन छुट्टी मिलती है सरकारी, तो अभी जो खाली थोड़ा था उस दिन छुट्टी नहीं मिलती है, तो दूसरे तीसरे दिन बाद मिलती है छुट्टी। तो सोचा कि देखते हैं कि मस्जिद नबी में कैसा लगता है, क्या मंजर रात का है 1-2 बजे का, तो इसके बाद निकलते हैं पे या फजर के बाद। वैसे तो रहता है कि फजर के बाद जाने का इंशाअल्लाह, जब दुर्गा की इजाज़त करने के बाद, बाकी देखते हैं क्या मूड बनता है। अभी ड्यूटी की हूँ ना, थोड़ा थका भी हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। देख रहे हो पार्किंग खाली है, ये ज़्यादातर 2-4-5 गाड़ी है जो उनको स्टाफ की है, और 2-4-5 होगी तो गेस्ट है, बाकी सब ग्रुप है, इराक का, जजायर का, मोरक्को है, और कुछ इंडिविजुअल है जैसे UK अमेरिका से, पाकिस्तान से, इंडिया के, बांग्लादेश के। तो ज़्यादातर अभी जो है ग्रुप है नहीं, इराक का, जजायर, मोरक्को जो नया कंपनी है, तो अभी वो ज़्यादातर अरबी ग्रुप पकड़ रहा है। वही देख रहे हो पार्किंग पूरा खाली है, सब दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही है। 12:30 बज गए ना, 12 बजे लास्ट तक कुछ दुकानें बहुत कम होती हैं जो 2 बजे तक खुली रहती है। ये हमारे नूर साहब है, बेलबा में काम करते हैं माशाल्लाह। देख रहे हो एरिया एकदम सन्नाटा है ना, अब सब दुकानें बंद करके जा रही है। रमज़ान में इस टाइम पे ओहो माशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा ज़िंदगी रहेगी अगर रमज़ान पे आ रहा तो वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा। देखना रमज़ान में कितनी रौनकें रहती है पूरी रात भर, 20 रमज़ान के बाद और माशाल्लाह पूरी रौनकें रहती है। ये सामने देख रहे हो जनतुल बकी के गेट्स से पहले ये एरिया क्लोज कर दिए, अब क्यों किया पता नहीं। अब यहाँ पे
हो सकता है भाई लोग बैठते थे या क्या करते थे, अल्लाह आलम। देखो सामने देख रहे हो ना, गिर दिया यार, इधर से भी उधर से भी। ये देखो बैरियर लगा हुआ है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गए मस्जिद नबवी में, चलते हैं पहले सलाम पेश करते हैं, उसके बाद फिर कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। अभी सामने जो है कि रियादो जन्नत के लिए लाइन लगी हुई है। अभी इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 24 घंटा जो है कि ऐसे ही रहता है। अभी देख रहे हो सामने माशाल्लाह, ये देखो ना, ये सामने 12-1 बजे का कुछ ऐसा मंजर रहता है माशाल्लाह मस्जिद नबवी का। तो अगर और ज़्यादा रौनकें देखना तो जुमेरात की रात, जुमेरात और जुमा की रात नमाज़ पढ़ के जाके सो जाते हैं। ये वो आते हैं तहज्जुद की टाइम, कुछ आते हैं 1-2 बजे। अभी जहाँ 1.5 और 2 बजे का ना माशाल्लाह फिर से हाजियों की रौनकें शुरू हो जाएंगी माशाल्लाह। इस गुम्मत को कभी वीडियो में या मोबाइल में या टीवी में देखते थे, कभी सोचे नहीं थे कि अल्लाह ताला जो है कि यहाँ पे बुलाएगा, इसको सामने से देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र आप लोगों की दुआ से। जो लाइन जा रही है बाबा सलाम के सलाम पेश करने के लिए, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि माशाल्लाह आराम से सलाम पेश करेंगे, कोई भीड़ नहीं है अभी इस वक्त। देख रहे हो ना, बहुत कम हाजी लोग हैं। सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई, सलाम भी पेश कर लिया। अब चलते हैं अंदर मस्जिद के अंदर, 2 रकात नमाज़ें मस्जिद पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इंशाअल्लाह क्या इरादा बनता है। बैठते हैं, चलते हैं, क्या इरादा बनता है आगे पता चलेगा इंशाअल्लाह। पहले चलते हैं मस्जिद गमामा, देखते हैं मस्जिद गमामा इस टाइम पे कैसा लगता है, रौनकी है या फिर खाली है। खाली ये होगा कि वहाँ पार्किंग है कुछ, अगर बैठेंगे 2-4 बैठे होंगे, नहीं तो फिर खाली होगा। चले बस, क्योंकि मस्जिद नबी से नज़दीक है, वो पता ही है जो यहाँ पे आए हैं। मस्जिद गमामा, मस्जिद अली, मस्जिद उस्मान, सब एक साथ में है। अभी देख रहे हो माशाल्लाह पूरी सेहन की सफाई चल रही है, क्यों रात में खाली हो तो रात ही में हो पाता, दिन में बहुत कम चांस है। देख रहे हो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइन से जा रही है गाड़ी, पूरी सेहन की सफाई हो रही है, जो चमक रहा है सफाई हो गया। उसके बाद देख रहे हो उसके आगे वो सफाई नहीं हुआ, इसका मतलब वो आगे गाड़ी आ रही है, पीछे पीछे वो अभी लाइन से लगी है। ये जो मैं जहाँ पर चल रहा हूँ ये देख रहे हो, ये सफाई हो गया है, ये इस साइड पर नहीं हुआ, वहाँ से घूम के अभी आगे करेंगे। आगे देखो वो भी आ रही है, 3-4 सफाई करने वाली मशीन, पूरा सेहन है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। माशाल्लाह हम आ गए मस्जिद गमामा, ये सामने जो गुम्बद दिख रहा है मस्जिद उस्मान का गुम्बद है, फिर इधर आगे सामने दिख रहे हैं मस्जिद गमामा, फिर इधर है कोने पर नहीं दिख रहा है बिल्डिंग सामने छपी हुई, इधर है मस्जिद आली। तो मस्जिद गमामा भी तारीख़ी मस्जिद है, नमाज़ तो नहीं होती है लेकिन इसमें लोग जाते हैं 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के लिए दुआ किए थे, 2 रकात नमाज़ पढ़ गए, इसीलिए यहाँ पर जाते हैं लोग 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं नफिल की। बाकी जो मस्जिद उस्मान और मस्जिद अली है वो बंद किए हुए हैं, बस उसको लोग बाहर से ज़्यारत करते हैं बस। बाकी मस्जिद गमामा खुला हुआ है, अभी इस वक्त बंद है, रात में बंद कर देते हैं ऐशा के बाद से, बाकी दिन भर खुले रहती है। और यहाँ पे जमजम का पानी देते हैं, देख रहे हो ना लोग वाटर लेके जा रहे हैं ना, जमजम का पानी जितना भरना है भर सकते हो। ये देखो अंदर नल लगी हुई है, ये सब इसमें जमजम पानी निकलता है, सब भर रहे हैं, देख रहे हो ना। तो ये देखो माशाल्लाह रात को कुछ ऐसा ही रहता है, अभी कबूतरें भी नहीं हैं, हाजी लोग भी नहीं हैं,
दो चार पांच जो भी इधर बैठे हैं, पार्किंग एरिया है ना ये इसीलिए। लेकिन माशाल्लाह लाइटिंग से कितनी खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो ना। मस्जिद गमामा, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद अली उधर है वो, ये देखो ना गुम्बद ना, ये देखो माशाल्लाह। और ये सामने है मस्जिद नबवी माशाल्लाह। जिनको भी अगर पानी चाहिए जमजम का, बाटल भर के, डब्बा भर के, जो भी, ये 310 नंबर गेट है, उसी बगल में मिलता है। ये देखो ना 310 नंबर गेट, ये मिले जितना पानी ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो जमजम का। कुछ लोग को पता नहीं होता ना, इसीलिए भाई यहाँ आइए पानी भर के लेके जाइए। ये लाइन से मशीन सफाई करने वाली चल रही, कितना अच्छा लग रहा है, देख रहा है ना। ए है माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अजर कमाते हैं लोग भी, रिज़्क के साथ साथ अजर भी कमाते हैं कि मस्जिद की सफाई, वो भी मस्जिद नबवी की। इंसान है ना, अभी ये सब काम करने की बोलेंगे शर्म आ रही है। बाबा किस चीज़ की शर्म है, हलाल की कमा रहे हो, वो भी ऐसी जगह रिज़्क कमा रहे हो जहाँ पर लोग तरसते आने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारे हैं। क्या बोलते हैं, अरे कौन जाएगा सफाई करने के लिए, कौन जाएगा पलेटें उठाने के लिए, कौन जाएगा लोगों के साथ गिर गिर करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क हलाल भी कमा रहे हैं यहाँ पे। आपको पता ही है एक नमाज के बराबर कितनी नमाज का सवाब मिलता है, अभी क्या चाहिए, अल्लाह का शुक्र है। बाकी जो नसीब में रहता है वो तो मिलता ही है कि नहीं। हम भी जब शुरू में आए तो कुछ पता ही नहीं था, कभी तो काम किया ही नहीं था बाहर, पता ही है आया कुछ पता ही नहीं था, इनके गिर गिर ये काम मिलता वो काम मिलता, इधर जाना इधर जाना। कोई दूसरा होता तंग आके बोलता है चलो चलते हैं, फिर हमारे साथ जितने आए थे सब चले गए, लेकिन हम सब्र किए नहीं भाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है कि सब्र का फल मिला हुआ है। कुछ यही नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, कौन जाएंगे होटल में, अब यही नमाज़ पढ़ के थोड़ा दो घंटा सो जाते हैं। अभी तहज्जुद की अज़ान हो जाएगी 3:30 बजे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, जन्नतुल बकी की ज़ियारत करेंगे, फिर निकल जाएंगे अपने अपने होटल में, नाश्ता वास्ता करके सो जाते हैं। किसी ने को सोए हुए हैं, वहाँ पर सफाई चल रही है। 3-4 दिन हो गया था ज़ियारत नहीं किया था, मन एकदम मुँह हुआ था, मैंने बोला आज जाएंगे ज़ियारत करेंगे, कुछ भी हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी ख़त्म हुई, मैं बोला भले ही पैदल जाएंगे रूम पे, लेकिन ज़ियारत पहले करेंगे। तैयारियाँ चल रही हैं, सफाई चल रही है, जमजम का पानी ला रहे हैं, पहले पानी पीते हैं माशाल्लाह, पानी को पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। चलो अल्लाह ताला से दुआ कर दो, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को भी मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हज उमरा करने की नीयत की उनको भी हज उमरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लाइटें बंद है, देख रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ से जमजम का पानी जो भर रहे हैं बाटल में, यहीं से भर भर के फिर पूरे मस्जिद में लगता है। जैसे ये देखो बंदर लेके जा रहे हैं, ये फिर जो है कि जब पूरा भर के फिर पूरे मस्जिद में लगाते हैं ऊपर नीचे, रात भर यही काम होता है। ये हरम के पीछे के साइड पे है मस्जिद के, यानी पीछे के साइड, ये देख रहे लोग सो रहे हैं, ये आते हैं जैसे रियाद तमाम, मतलब सऊदी से जो आते हैं उम्र के लिए, रात को बस ज़्यादातर आती है, वहाँ कहीं पे सोए जाते हैं माशाल्लाह। ये एरिया देख रहे हो ना, जैसे ये बनाए हैं, पिछली वीडियो में दिखाया था ना जो सामने म्यूज़ियम जहाँ पर मेरा होटल है, मैं बोला है रोड पूरा क्लोज़ किए हुए हैं, बना रहे हैं, वो ऐसे ही बनाएंगे पूरा जो है, ऐसे ही बनाएंगे। कि हरम के जितने आमने सामने जगह है ना, सब तोड़ के उसको बड़ा खूबसूरत पार्किंग एरिया के लिए बना रहे हैं। जिससे पहले यहाँ पे रोड था, यहाँ पे जो पहले से डेढ़ दो साल पहले यहाँ पे रोड था, अब ये बंद करके पूरा रोड को ये पत्थर बिछा दिए, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, देख रहे हो ना। अब जैसे ये सब होटल, यानी हरम के जितने करीब होटल है ना, सब महंगे महंगे हैं। यानी एक दिन का आपका अगर 24 घंटे का, यानी अगर जो रूम नॉर्मल रूम होता है वो कम से कम 1000-1200 का, 800 का, उससे कम नहीं,
बाकी आप जो स्वीट रूम लोगे तो 2000-3000 का, ये सब रूम जैसे होटल देख रहे हो। और ये हिल्टन तो माशाल्लाह मशहूर है, तो पता ही है, इसमें सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत सारे होटल हैं। अब जो हम ऐसे ये पैदल जाएंगे रूम पे अकेले सोचते सोचते, अभी मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ कि वो फारग लड़का है, इसी कोने होटल में इसी में काम करता है, वो छुट्टी से आया, वो सामान लेकर आया हुआ है। तकरीबन को लगता है कि एक हफ्ता हो गया होगा, अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई है। क्यों? अब मेरी ड्यूटी है 3 से 12, मैं हरम के आगे के साइड पे हूँ, ये हरम के पीछे के साइड पर है, और उसकी ड्यूटी है तो 7 से 5 होगी, 8 बजे सुबह में, 9 बजे सुबह में। तो अब छुट्टी रहेगी तो उसको मैंने मैसेज किया कि छुट्टी रहेगी तो इंशाल्लाह आऊँगा, अब कल छुट्टी है, इसको मैंने अभी तक वही नहीं किया। अब फिर रूम पे जाते हैं, उसको मैसेज करते हैं उसे कल कौन सी ड्यूटी है, तो इंशाल्लाह जो है कल सामान ले लेते हैं। एक हफ्ता हो गया है, यही है सामने वो होटल दारुल हिजरा IHG, ये यही कंपनी आई है हम लोग कंपनी में। छोटी छोटी दुकानें सैंडविच की है, बर्गर की है, फ्रूट की है, कॉफ़ी शॉप है, माशाल्लाह देख रहे हो ना, ये लुक कितना अच्छा लग रहा है। एक ही कलर की है, एक ही डिज़ाइन का है, वो लाइन से है, छोटी छोटी बनी हुई है, किसी में आइसक्रीम बिक रही है तो किसी में फूड है तो किसी में जूस है। जैसे ये देखो गिफ्ट कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। फिर यहाँ से लेकर यहाँ आ जाओ बैठ के, धूप रहती है, छतरी ओपन हो जाती है, खा के निकल जाओ। लाइन से है ना, देख रहे हो ना, ये बंगाली मार्केट थी, पूरा तोड़ के अभी ये गवर्नमेंट बनाया है ऐसा इंडियन फूड। ये सामने एशियन क्रीम, अरबिक कॉफ़ी, कुनाफा के साथ अरबिक कॉफ़ी मिलता है, इधर बंद है ये। ये देखो माशाल्लाह, मेरे को बाद में ख्याल है, मेरे को कल कहीं जाना है 9-10 बजे सुबह में, बहुत ज़रूरी काम है इंशाल्लाह, वो इसकी वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगी इंशाल्लाह, इसीलिए ख्याल आया तो मैंने बोला अभी तो जाना पड़ेगा रूम पे, रूम पे जाकर थोड़ा 2-4 घंटा सो लेते हैं, 13 तक सुबह में जाने के लिए फजर की नमाज़ के लिए। तो इंशाल्लाह परसों ड्यूटी 3 बजे है, तो कल रात को आऊँगा इंशाल्लाह, पूरी रात पर रहूँगा हरम में। जाने वाला था आज ही लेकिन आज टाइम से नहीं उठ पाया, बहुत ज़रूरी है काम हो, इसीलिए फिर ध्यान आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचा ज़्यादा भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, तो अब चलते हैं रूम पे। तो यहीं पे वीडियो मुकम्मल करते हैं, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, दुआओं में याद रखना, अपने छोटे भाई को भी ख्याल रखना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो है कि आपने इतना प्यार मोहब्बत दी हमको। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।